नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गार्डनिंग में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस कॉमन हाउस प्लांट के बारे में। इस प्लांट को जेट प्लांट के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, लेकिन ये प्लांट घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस प्लांट को लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और एक अमेजिंग सा लुक आप के गार्डन को या हाउस को देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में और इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर सुबह से लेकर दोपहर के 1 या 2 बजे तक की सनलाइट बहुत पसंद आती है। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। आप इसे ऐसी सनलाइट में रखिए जहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर के 1 या 12 या फिर 2 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट पर पड़ती हो, तो इसकी ग्रोथ उसमें बहुत ही अच्छे से होती है। और या फिर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती थी। लेकिन आप इस प्लांट को डार्क लाइट में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि डार्क लाइट में रखने पर इस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल के बारे में। तो आपको इस प्लांट की सॉइल जो है वो आपको इसकी सॉइल वेरी वेलडेड सॉइल बनानी है, जिसमें वाटर इकट्ठा ना हो। अगर वाटर इस प्लांट में इकट्ठा होगा तो इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे गिरने लगती हैं और फिर ये प्लांट आपका सूख जाएगा या फिर इसकी डेथ हो जाएगी। तो और एक जो कारण होता है इसका प्लांट का मरने का, वो होती है ओवर वाटरिंग। तो आप इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। आप इसको गर्मियों के सीजन में आप इसे सुबह सिर्फ एक बार वाटर दे दें और आप इसे इवनिंग वाटर ना दें। मतलब आपको इस प्लांट को वाटर तो देना है पर एक टाइम, सुबह या शाम को, तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लांट की प्रोपोगेशन बहुत ही ईजी होती है। इस प्लांट की छोटी छोटी कटिंग भी आसानी से हो जाती है। तो अभी तो बारिश हो रही है, तो इसमें बारिश इन प्लांट के लिए अमृत के समान होती है। इसमें इस प्लांटों की छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो कर जाती है। अगर आप इस प्लांट की इतनी सी कटिंग भी लगा लेंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होती है और ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को आप किसी भी नर्सरी में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये आपको नर्सरी में 40-50 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। और ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और बात करें तो इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो होती नहीं है, क्योंकि तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसलिए जब भी आप इसकी सोयल रेडी करें तो आप उसमें खाद अच्छे से मिला दें, जिससे इसको बार बार गोबर खाद की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसे फर्टिलाइज़र के रूप में गोबर खाद दे सकते हैं। गोबर खाद इसके लिए बेस्ट होती है और उसमें आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस प्लांट को साल में 2 बार गोबर खाद दे सकते हैं, 6-6 महीने में 1 बार। तो इस प्लांट की ग्रोथ आराम से चलती रहेगी और आसानी से ग्रो होता रहेगा। और एक प्लांट ये है मेरा जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इस प्लांट को भी 1 मंथ समथिंग हो गया है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। और इसमें न्यू स्टेम्स आना भी शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छे से चल रही है। और इसमें कितने ये छोटे से मग में लगा हुआ है और इसमें भी सीवी बहुत अच्छे चल रही है। आप इसे छोटे छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं और इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट है जो मैंने छोटे से मग में लगाया हुआ है और इसमें भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। मैंने ये छोटी सी कटिंग लगाई थी, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। तो इससे पता पड़ता है कि इस प्लांट की प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होती है और आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट के बारे में यही थी जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।